काका साहब पानी, काका साहब सबका जिम्मेदार मैं हूं शाह। अगर जग्गा नहीं मिला, अगर उसे कुछ हो गया तो सारा दोष मुझ पर। मुझे नहीं पता था कि अपनी सख्ती की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे। सिर्फ नंबर ही तो कमाए थे ना उसके। मैं उसे उसकी गलती का एहसास दिला सकता था, सही ढंग से समझाता उससे, तो आज मेरा जग्गा मेरे सामने होता। बस काश मैं एक बार सब कुछ बदल पाऊं, कुछ ऐसा कर पाऊं कि ये सब कुछ एक बुरे सपने की तरह लगे। शाह बाबू साहब, आप रोइए मत ना। अब जग्या के भले के लिए ये सब कर रहे थे ना बाबू साहब। जग्या डर गया था इसलिए वो ऐसे चला गया। और देख लेना, हम लोगों के बिना वो ना रह पाएगा, वो वापस आ जाएगा बापू साहब। हाँ काका साहब, हमारा जग्गा बहुत जल्द हमारे साथ होगा। आपके सीने से लगकर आपसे माफी मांगता। पर शाम तब तक वो इतने बड़े शहर में कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा? इतना कुछ सुना है इस शहर के बारे में कि जी घबराता है मेरा। काका साहब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप ऐसा। आपने कुछ गलत नहीं किया है काका साहब, ये बात ईश्वर भी जानता है और ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। काका साहब कुछ खा लीजिए आप। नहीं श्याम, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, तुम दोनों कुछ खा लो जाओ। ना बाबू साहब, आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो जग्या को ढूंढने के लिए ताकत कहाँ से आएगी। मैं ले आती हूँ कुछ। जल्दी करो, बोट जा रही है। ये लो खा लो। श्याम भाई जी आप भी। बापू साहब खा लीजिए ना। आनंदी, तू हमारे लिए तो ले आई लेकिन तेरा क्या? अपना खुद का ख्याल रखना भी सीख। ये लिखा ले थोड़ा। श्याम भाई जी आप लोग खा लो, फिर मैं अपने लिए ले आऊंगी। नहीं बेटा, तू भी खा ले।
श्याम भाई जी, कितनी बड़ी नाव है ना। ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे? पता नहीं रे। हरिया, मुझे लगता है ये लोग हमारे साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, इसलिए इन लोग का ध्यान इधर उधर होते ही हमें भागने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ रे। तुझे तैरना आता है? फिर कैसे भागेंगे? एक बार नाव जहां भी रुके वहां से हम कोशिश करेंगे। पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। चल पिलाता हूँ पानी। क्या रे सोडा, ढंग से सफाई नहीं होता क्या तेरे से? साला भी तो सिर्फ तेरा टांग तोड़ा है, ठीक से काम नहीं किया ना तो हाथ से भी जाएगा तू। तो बहुत हो गए, अभी बच्चे मिलते नहीं है। तुम लोग साला ये भीख मांगने के धंधे में
इतना मोटी कमाई करते हो, अब उनके हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। देखो 500 के नीचे एक बच्चा नहीं दूंगा। ठीक है रहमान भाई, क्या अभी अपना मजबूरी है, धंधा तो करना ही है ना। ठीक, ये हुई ना बात। ए टिकले, जरा बच्चों का मुजरा करा दे इनके सामने, जो पसंद आएगा ले जाएंगे। सलाम रहमान भाई। सलाम, क्या रे कैसा रे तू? ठीक है भाई, बहुत दिन से दिखा नहीं, अंदर था क्या, एकदम लुक्खा हो गया है। हाँ भाई, 2 महीने अंदर था ना, माल लाया हूँ भाई। माल एकदम करेक्ट टाइम पे माल लाया रे तू, इनका डिमांड बहुत बढ़ गया है और माल कम है। ए टिकले, लगा दे इन दोनों को भी लाइन में, ले जा। लेके जा। जाओ देख लो और पसंद कर लो। चिकनियों काय को खड़ा किया था लाइन में। अरे भाई ये तो बड़ा हो गया ना, हीरो मटेरियल है, इसको कौन बिक देगा, अपना धंधा बंद हो जाएगा भाई। भीख? मैं कोई भीख भीख नहीं मांगने वाला। तो क्या सचिन बनने का है तेरे को, यहाँ सभी मांग रहे हैं तो तू क्या ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है जो तो भीख नहीं मांगेगा। हाँ एक पड़ी ना गाल पे तो तेरे जो हाथ है ना साला अपने आप भीख मांगना शुरू कर देंगे, समझा ना तू। मैं कोई भीख भीख नहीं मांगने वाला। भीख नहीं मांगेगा तू तो इधर का तू मुफ्त की रोटी खाएगा। हाँ ए, ए, ए रुक जा, ए गरम खोपड़ी, मारेगा क्या उसे, अरे अभी तो उसकी पेमेंट भी नहीं हुई है। जानता है इसकी जबान क्यों खुल रही है, क्योंकि ये अभी सबके जैसा नहीं हुआ है। जब ये भी सबके जैसा हो जाएगा तो इसकी जबान भी अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ भाईजान, अभी तैयारी शुरू करवाता हूँ। ए लुखे, चल तैयारी कर। Thank you.
ये क्यों है? क्या करोगे इसका? संतरा चलने के लिए नहीं है ये। अभी अभी तेरी टांग काट कर तेरा मुंह बंद करवाता हूँ। और वैसे भी आजकल लूले लंगड़ को ही भीख मिलती है। ऐसा मत कीजिए ना, छोड़ दीजिए ना मुझे। ए लुका, इसका बाया पैर काट और इसका हाथ। छोड़ कैसे दे? इतनी दूर से तेरे को छोड़ने के लिए लाए क्या? हाँ, चल बैठ इधर। भागने वाले बच्चे ये नहीं जानते कि उन्हें कब, कौन, कहां ले जाकर अंधेरे भविष्य में धकेल देगा।